हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023-24, जिसमें आरक्षक भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का हाई कोर्ट ने क्या है स्टे लगाया था, तो आज उसका सुनवाई था। तो सुनवाई में क्या हुआ, चलो आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। साथ ही स्टे लगभग हट चुका है, बाकी जो चीज़ें हैं वो स्टे जो आर्डर है हटाने का, वो आर्डर आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या है। बाकी अभी स्टे हट गया है और इसमें पुलिस के बच्चों लोगों को क्या है नहीं मिलेगा। जो ऐसे पुलिस के बच्चों जिन लोग अभी क्या है सेवारत है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन जिंदा है, तब उनको उनके बच्चों को क्या है हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो पहले वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आगे और चर्चा करेंगे। उत्ता पार्ट हम हटा रहे हैं, पुलिस वालों को नहीं देने देंगे रिलैक्सेशन। मैं तो दूसरी चीज बोलने के लिए आया कि हमारा प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उत्ता सात ही लाख पार्ट से हटा ज्यादा रहे हैं। बच्चे अलग अलग सेंटर में बैठे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब आपका प्रोसेस चलते रहेगा। पुलिस के जितने बच्चे हैं किसी को आप रिलैक्सेशन नहीं देंगे, बाकी कंटिन्यू नंबर रहेगा। वन वाला जो है केवल उसी पुलिस के बच्चों को, नहीं, बस देख लीजिए कौन सा है, अब वो क्लॉज जो है, उनको आप नहीं देंगे रिलैक्सेशन, बाकी जितने जो हैं हाँ ठीक है, द वी हैव नो इशू। कैंडिडेट्स और देयर फैमिली हु हैव सफर्ड हार्डशिप नहीं तो और उसमें तो कुछ जो मार्टिन्स के दे बच्चों हैव को भी दिया है, दे हैव हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, हाँ तो वो भी तो उसमें आ रहे हैं। उनको देंगे। हाँ और बाकी लोगों को, जनरल पुलिस को, कि जो है केवल बच्चे हैं इसलिए उनको आप रिलैक्सेशन देंगे, नहीं, दैट्स नॉट इसमें से फेयर। आप जो है थ्री वाले को केवल एक को हटा रहे हैं बस। ठीक है ना। नहीं, इसमें मतलब पहला जो है शहीद के लिए है, देर इज ठीक मतलब है, मैं वो थोड़ा ठीक है, सेकंड भी शहीद के मतलब लिए, शहीद के लिए है, शहीद वो के लिए वो भी भी दोनों ठीक है। इंक्लूडेड है। तीसरा मतलब थोड़ा आर्बिट्रेरी है। उसके बाद जो है दिवंगत मतलब दे आर सिंपली भाई किसी की डेथ हो गई है तो उनके नॉर्मल बच्चों, कुछ तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सेवानिवृत्त वाला पार्ट्स, नहीं, दे हैव सेवानिवृत्त रिटायर्ड वालों को नहीं मिलेगा। मतलब देर आफ्टर मतलब सेवारत आरक्षक, सहायक आरक्षक उनकी संतान नहीं मिलेगा, ये नक्सल पीड़ित मतलब आईएसडी ठीक है, मतलब उनको वन मिलेगा। हैज टू। और तीनों सेनाओं हाँ, अगेन इंक्लूडिंग ऑल एयर वाटर नेवी एंड दिस एयरफोर्स। और फिर उसका नगर सेना है, ये दे आर मार्जिनलाइज, दे बिलोंग टू बिलो। फिर उसके बाद में ये नौ तो वेरी जेन्युइन केस मतलब दी नेक्सल अफेक्टेड एंड इसमें दी से जो जाएगा वो यू विल जाएगा गेट थ्री। यू विल गेट सम जजमेंट्स ऑफ हाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में ये इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, और ड्यूरिंग इन द ईयर 1984। आपने वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें जो पुलिस के जो बच्चे हैं, जो अभी सेवारत हैं, ठीक है, उनके बच्चे, और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन जिंदे हैं उनके बच्चे को यहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ ही नगर सेना वगैरह है उनके लिए भी क्या है जज साहब ने मना किए हैं। अब प्रक्रिया फिर से चालू हो जाएगा, तो जब भी भर्ती प्रक्रिया चालू होगा आपको अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।